इतना लॉस किया कम से कम आज कल तो 50 के आसपास फोन नहीं खाता मेरा फोन खराब अब वाकई हम पीएचसी डिपार्टमेंट के यहाँ लोग आए हैं लाइन मैन सुपरवाइजर साहब भी आए हैं बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पानी का मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट एज ए सुपरवाइजर बात कर रहा हूँ कि जितना डन्ना छिलुंग में मेरे वर्कर इनकी उम्र 9 साल है अभी वो उस सोर्स से आए हैं जिस सोर्स में 3 दिन जब जाएंगे पता चले 3 दिन लगेंगे मेरे पीएचई वाले थन्ना मंडी में जब जैसे कोरोना हुआ नंबर 1 आए पानी देने में हालांकि वो हमें सहायता नहीं मिली लेकिन जहाँ तक मसला डन्ने छिलुंग का है या ये लोग शरीफ हैं मुझे समझ नहीं आती टेंडर जो है ये हमारे 8 महीने से लगे हुए हैं सर पाइप जो है हमने 2022 तक हर घर को जल जीवन मिशन में हर घर को पानी देना ही चाहे आधी इंची पाइप से लेकर 3 इंची पाइप तक ये हमारा फर्ज है और पैसा आया हुआ है टेंडर लगे हुए हैं तो ये सरपंच साहब कहेंगे जराब भी कहेंगे कि टेंडर लगे हुए हैं तो पाइप क्यों नहीं आई जहाँ तक पुरानी पाइप है ये 1989 की पाइप लगी हुई है मेरे लैंडमैन मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहता हूँ कि हम 1000 रुपया पर डे लेते हैं तो पानी देना हर मजहब में ये लिखा है कि पानी पुराना सवाब है और इस्लाम में तो ये है कि पानी पुराना सवाब है अगर हम 1000 रुपये का काम करेंगे गोया हमें नेकी का काम मैं अपने वर्करों को ये कहता हूँ कि 2000 रुपये का काम करेंगे फिर हम जन्नत की तरफ जाएंगे जन्नत किसी को सस्ती नहीं है वैसे भी मुसलमान का काम है कि खड़ा होकर काम करो हम तो उसकी उजरत देते हैं लेकिन मैं डन्ने छिलुंग के जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं मैं इन पर बड़ा खुश हूँ कि ये 1989 की जो पाइप लगी हुई है उनको मरम्मत जैसे रस्सा रेंज वगैरह जहाँ पर ये पाइपें हमारी हुई हैं वहाँ पर टैंक्यू का काम है सर टेंडर भी जो हुए हैं तो क्या पता सरपंच साहब को पता होगा कि टेंडर हुए हैं तो टैंकी क्यों नहीं काम शुरू हुआ आज पहले दिन के शेड्यूल के मुताबिक हमने सबसे पहले हमारे जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरपंच साहब हैं पंच हजरात हैं सीनियर सिटीजन हैं और हमारे जो आवाम थे उनसे मिले उनसे मसाइल सुने उनको नोट किया उसके बाद हमने डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं स्कूल हैं आंगनवाड़ी सेंटर हैं और दूसरे इदारों में हमने विज़िट किया और उसके बाद अभी हम तैयारी कर रहे हैं अभी वार्ड सभा करने की इसमें इस जो प्रोग्राम का असल मकसद जो है वो ये हमने इनको पहले से भी मालूम है और हमने भी अदा किया कि गवर्नमेंट का जो एम्फेसाइज है वो ये है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज गांव में हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है जो मराद गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उनका बेहतर से बेहतर यूज़ कैसे किया जाए उनको बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल में कैसे लाया जाए एक एम्फेसाइज ये है दूसरा ये है कि जो चीज़ें नहीं हैं उनकी तरफ मरहलावार कैसे बढ़ा जाए वो एक ये एक तरह से कि बहुत अहम प्लानिंग है जो ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं और एक तरह से माइक्रो प्लानिंग हो जाती है बहुत बारीक प्लानिंग हो जाती है और ये वापस जब हम सबमिट करेंगे तो ये एक खूबसूरत प्लानिंग की शक्ल में गवर्नमेंट के पास जाएगी और इसको फिर मरहलावार तरीके से गवर्नमेंट जो है इसको अमलाएगी सर बिल्कुल सही फरमाया मैंने खुद देखा है यहाँ पर कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर एक तरह से ना होने के बराबर है काफ़ी बड़ा गांव है ये इसमें लगभग 2 से 2500 के आसपास की आबादी है और सड़क का ना होना एक चिंता का विषय तो है अब कुछ सड़क निकलनी शुरू हुई है और जो अभी पता चला है कि PMGSY के तहत उसका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो भी चुका है अभी मज़ीद उस पर कुछ काम बाकी है वो भी हो जाएगा और इस तरह से